मेरा नाम मीरा देवी और मैं मैनपुरी की रहने वाली, नंगला गोवर्धन बाबा चौराया लाल कोटी के पीछे मैनपुरी। और क्या नाम, मेरे साथ परमात्मा ने बहुत कुछ किया है। परमात्मा ने मुझे नौकरी भी दी है, दूसरी नौकरी प्रभु जी ने अपने चरणों में मुझे दे दी, अपने पोष में मुझे दे दी। मैं मीरा देवी प्रधानाध्यापक, मैं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, अभी भी मैं जॉब करती हूँ। और ये परमात्मा पता नहीं मुझे कैसे सत्य का साथ भी करवा रहे और मैं अपनी ड्यूटी भी करती हूँ। और मेरे हरि परमात्मा ने 2019 में मुझे सेवा भर्ती भी, सैनिक सेवा भर्ती भी दे दी। और मैं कभी नहीं सोचती थी परमात्मा मुझे इस लायक बना देंगे। मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा थी और परमात्मा ने मुझे अपने चरण शरण में लिया। मैं परमात्मा की जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक मैं आभारी बनी रहूँगी। और मेरे नाथ, मेरे प्राणनाथ, मैं हर तरीके से परमात्मा के लिए समर्पण हो चुकी हूँ। नहीं, कोई मुख्य कारण ऐसा बताइए जिसकी वजह से बना है मेरा। अभी प्रभु जी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। अभी ताजी मैं घटना बता रही हूँ। 30 नवंबर को लखनऊ से मेरा बेटा ज्ञानेश सिंह को वो अपहरण किया था और मुझे तीन दिन बाद मुझे सूचना मिली कि मीरा देवी बोल रही, मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा हाँ, मैं मीरा देवी बोल रही हूँ। और उसके बाद फिर मेरे बेटे के, आपका बेटा कहाँ, हमने मेरा बेटा तो मुझे बता के जाता है, मेरा बेटा लखनऊ में अपने यहाँ के नहीं है। तो मुझे एकदम मेरी आंखों से कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा परमात्मा, प्रभु ये क्या किया आपने, प्रभु मैंने तो ये बेटा आपसे ही मांगा था। जब मैं परमात्मा को जानती भी नहीं थी, मैं गुरुद्वारे में जाया करती थी और अपना मस्तिष्क देखती थी मुजफ्फरनगर। और उसके बाद ये मेरा बेटा वही पैदा हुआ। आज मेरा बेटा इकलौता है, मेरे पास 3 बेटियाँ हैं। मैंने फिर मैं यहाँ से गई, जाने के बाद मैंने गोमती नगर में मत पता किया। फिर मैंने वहाँ गुमसती लिखाई। फिर मैंने हरि परमात्मा से कहा, परमात्मा ये मैं दे तो रही हूँ लेकिन मेरी पक्की गुमसुदी आपके पास लिखी है। परमात्मा आप जज हो, वकील हो, आप सब कुछ हो, लेकिन परमात्मा आपके सिवाय मेरा बच्चा नहीं आ सकता, आप ही ला सकते हो। मेरे परमात्मा नारायण सागर हरि ने और ऐसी पुकार सुनी। मैंने कहा परमात्मा चाहे आप लैंडर तोड़ के लाओ, चाहे धरती फाड़ के लाओ, परमात्मा हमको बच्चा चाहिए। परमात्मा आपने मुझे दिया था, ये आपकी धरोहर है, मैं केवल सेवा कर्म करती हूँ। परमात्मा ने मेरा बेटा दिया। वो मुझे 2 दिन पहले मुझे अपने बेटे की छवि दिखने लगी। मेरा बेटा नीचे से आ रहा है, हंसता हुआ कह रहा मम्मी मैं तो आ गया। तो मैं कह रही मैंने अपने पति को बताया, पति बोले मेरा ये क्या बता रही हो मियाँ। फिर उसके बाद मेरा बेटा यही पुलिस के द्वारा कहाँ मिला था, बिहार बंगाल की बॉर्डर। बोलो नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार माँ मातेश्वरी की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। मैं अपनी एक छुट्टी नहीं घर में कैसी यूज करती, मैं सब परमात्मा